हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एम्ब्रेन ब्रांड के यस 11 चार्जर की। तो यह मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और यहाँ पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की थी। तो इसकी प्राइस थी 129 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 22 अक्टूबर को ऑर्डर किया था। तो चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमारा चार्जर कैसा है। तो यहाँ से हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। अंदर की तरफ हमें एक बॉक्स मिलता है और उसी के साथ इस चार्जर की प्राइस की रिसिप्ट भी मिलती है। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारा चार्जर कैसा है। उससे पहले देखते हैं हमारे रिसिप्ट पे इसकी कितनी प्राइस लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है एम्ब्रेन रैप यस 11 10.5 वाट का चार्जर है और इसकी प्राइस है 129 रुपीज़। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जर का बॉक्स है और इसको एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके भेजा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको भी अनबॉक्स और जल्दी से हमारा चार्जर इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे काट देते हैं। तो इस तरह से हमने इस बॉक्स को निकाल लिया है। तो ये एम्ब्रेन चार्जर का बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैप यस 11 लिखा हुआ है, नीचे की तरफ वॉल चार्जर लिखा हुआ है और इसकी रेटिंग है 10.5 वाट सिक्योर चार्जिंग। यहाँ पर यह ब्लैक कलर का चार्जर दिखा रहा है और ऊपर की तरफ एम्ब्रेन ब्रांड नेम लिखा हुआ है। पीछे की तरफ उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है और ये चार्जर 180 डेज की वारंटी के साथ आता है। यहाँ पर पावर थ्रो लिखा हुआ है और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर दी हुई है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसकी MRP लिखी हुई है 399 रुपीज़ और ये September 2021 का प्रोडक्ट है। सेट में भी इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं हमारा मेन चार्जर कैसा है। तो यहाँ पर हम साइड से इसको काट देते हैं और अंदर की तरफ से हमारा जो चार्जर है उसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हमें एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक पैक भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चार्जर को निकाल लिया है। तो ये सिर्फ एक चार्जर है, उसके साथ कोई केबल नहीं आती। तो ये एक वाइट कलर का चार्जर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्ब्रेन ब्रांड नेम लिखा हुआ है और उसका USB पोर्ट का ये चार्जर है। अंदर की तरफ इसका इंटरफेस वाइट कलर का है और एक प्लास्टिक के रैप में पैक करके भेजा गया है। इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ डिटेल लिखी हुई है। आउटपुट है इसका 5 वोल्ट पे 2.1 एम्पीयर और ये एक मेड इन इंडिया चार्जर है, मतलब कि एम्ब्रेन ब्रांड एक मेड इन इंडिया है। तो काफ़ी अच्छा ये चार्जर है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाथ में लेने पर इसका वेट ज़्यादा नहीं लगता और इसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइज़ कितनी छोटी है। तो इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया चार्जर है, लेकिन इसके साथ अगर केबल आ जाती तो काफ़ी अच्छी बात थी। तो ये था एम्ब्रेन प्रोडक्ट का यस 11 चार्जर। तो इसको रख के इसमें और चलिए करते हैं इसकी चार्जिंग टेस्ट और देखते हैं ये कितना आउटपुट देता है। तो चलिए इसको प्लग में लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने प्लग में लगा दिया है। मेरे पास पोको M2 Pro मोबाइल है, उसी पर हम इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केबल को इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसलिए इसी से रिकॉर्डिंग करूँगा और इसी पर ही चार्जिंग टेस्ट करूँगा।
तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है और चार्जिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब हम एम्पियर एप्लीकेशन में जाकर देखते हैं इसकी रेटिंग कितनी आती है। तो यहाँ पर हम एम्पियर एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पर चार्जिंग शो कर रहा है, देखते हैं इसकी रेटिंग कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1760 mAh इसकी रेटिंग आ रही है और वो बढ़ रही है और कुछ कम हो रही है, मतलब कि ये चार्जर लगभग 2 ampere को सपोर्ट करता है। लेकिन मेरे माने तो इससे अच्छा और चार्जर हम ले सकते हैं, जैसे कि जिंक चार्जर है, क्विंटम का चार्जर है, या फिर फ्लिपकार्ट का चार्जर भी आता है वो भी केबल के साथ। तो इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छा चार्जर है, लेकिन उसके साथ अगर केबल दी होती तो काफ़ी अच्छी बात थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग रेट। तो चलिए हमने देख लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।